एक तरफ तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सम्मान की बात करती है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में एक गरियाबंद जिला ऐसा जिला है जहां के बाजार में महिलाओं के शौच जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। नम जाथन जगह नहीं है यहाँ, जेंट्स मन आते जाते, कभी कभी कोई गाली भी देती, फिर भी जाथन अब का करबो, मजबूरी है तब सुविधा था ही नहीं है तो जाना पड़ी। पुरुष उरुष मान के आना जाना वो गली में नहीं है, होते ना आना जाना, फिर भी अब लाश शरम लग लिहाज करके बैठन, कभी एकदम से कोई खिल्ली चुरा देते, कोई बोल रहे थे और आसमान बेशरम घर बोल देते, अगर रात को गए हैं जल्दी थोड़ी जाते, हम लोग को 8 बज जाते हैं, अगर रात को कहीं जाते हैं बाथरूम तो कोई जेंट्स ऐसे रहते हैं कि बाथरूम आया है करके देखते हैं, तो अगर जा रहा है वो फिर से वापसी आ जाता है, तो हम लोग को भी वापसी आना पड़ता है, तो आजू बाजू वाले जो घर वाले हैं ना ऊपर से झाँकते हैं, कोई खिड़की से झाँकते हैं तो कोई छत के ऊपर से झाँकते हैं, फिर भी से बाथरूम बैठ के आते हैं हम लोग। ऐसे कई यहाँ पर महिला हैं जो सब्जी धंधा करती हैं, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर महिलाएँ दुकान लगाती हैं। एक लिए कहीं आवेदन वगैरह करे रही हूँ तुम? आवेदन कई बार बोल रहे, कहाँ बोले रही हूँ? यही नगर पंचायत। कहाँ बोल थे नगर पंचायत? हाँ बनाबो बनाबो, बस कथे आज तक से कुछ बना च नहीं। ममता का जमाना का पैसा आ चुका है 6 लाख, वो आज तक अभी पूरा टेंडर हुआ ही नहीं है, पैसा कहाँ जाता है कोई पता ही नहीं मिलता, यहाँ लेटरिन और बाथरूम होना बहुत जरूरी है, वो सबके तो हमारी बात सुन के जो हमारी कमी है उसको पूरा करने की कष्ट करें। नगर पालिका गरियाबंद के सीओ को उनके मोबाइल नंबर 9893857 85 पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं रीना रामटेके गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।